नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी ठाकुर और आप देख रहे हैं फाउंडर इंडिया की एक खास पेशकश क्रिप्टो लाइव। क्रिप्टो लाइव देश का पहला लाइव शो है जहां हम क्रिप्टो करेंसीज पर लाइव बातचीत करते हैं क्रिप्टो एक्सपर्ट्स के साथ और हमारे जितने भी व्यूअर्स होते हैं उनके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। इस शो को आप तक पहुँचाने में हमारी मदद करता है देश का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज CoinDCX। उनकी मदद से इस शो को आप तक पहुंचाते हैं और जोड़ते हैं आपको देश के जाने माने क्रिप्टो एक्सपर्ट्स के साथ जो पिछले काफी लंबे समय से क्रिप्टो में हैं और क्रिप्टो के कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। जितने भी व्यूअर्स अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो क्रिप्टो को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, रोहन ग्रोवर, राज मल्होत्रा जी जानना चाह रहे हैं लाइट कॉइन पर, अभी आपका सवाल ले लिया जाएगा। और ठीक है, JDC पर शैलेंद्र कुमार जानना चाह रहे हैं आपके इन कॉइन्स पर, मैं अभी आपके सवाल लेती हूं। हमारे एक्सपर्ट, आज के एक्सपर्ट हमारे राहुल सिंह सिरोही जी हमारे साथ मौजूद होने वाले हैं। राहुल सर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत बढ़िया हैं और ये शुरुआती दौर से क्रिप्टो में हैं। जब से बिटकॉइन लॉन्च हुआ था उस टाइम से राहुल सर क्रिप्टो में हैं और तब से इसे पढ़ते और पढ़ाते आ रहे हैं। राहुल सर, बहुत स्वागत है आज के शो में आपका। थैंक यू शिवानी जी, बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय हमारे व्यूअर्स के लिए निकाला। आप जिस तरीके से हमें समझाते हैं वो हमारे व्यूअर्स को बहुत पसंद आता है और आपकी जो क्रिप्टो को लेकर नॉलेज है वो काबिलियत तारीफ है। काफी अच्छे तरीके से आप हमें समझाते हैं सारी चीजें। ठीक है, तो सर हम सबसे पहले तो सोल पे बात करेंगे आज। सोल को आप किस तरीके से देख रहे हैं, उसके बाद मैं बिटकॉइन पर आपकी राय लेना चाहूंगी कि बिटकॉइन कैसा दिखाई पड़ रहा है। लेकिन सोल जो है बहुत लंबे समय से सर हाइप में है, अभी भी अगर हम देखें तो उसका प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल दिखाई पड़ रहा है। एकदम से वो 70 से $100 तक पहुंच गया और उसके बाद फिर अब वापस देखिए तो 200 टच करने के बाद 150 पे लौट आया। एग्जैक्टली सोल में इतनी हैवी ट्रांजैक्शन क्यों हो रही है और किस तरीके से आप इस पूरे कॉइन को और इस कॉइन के मार्केट को देख रहे हैं? मैम, लास्ट टाइम सोल के ऊपर जब हमारा डिस्कशन हुआ था, कार्डानो सोल वगैरह का, जब मैंने आपको बताया था जी, तभी आपको वो चीज डिस्क्रिप्शन दिया था कि सोल के ऊपर NFTs का प्रोजेक्ट लाइव कर दिया गया है। बिल्कुल। और NFT लाइव होने के बाद से जब इसकी न्यूज अनाउंस हुई थी तभी से सोल का प्राइस ऊपर इंक्रीज बहुत तेजी से भागना चालू कर दिया था, 100 प्लस, 120 प्लस, 130 प्लस, 140 प्लस एंड अगेन 200 क्रॉस्ड। अभी इसके ऊपर थोड़ा सा मेन नेट की बीटा टेस्टिंग चल रही थी पिछले एक हफ्ते से, जो अपना लाइव किया गया है प्रोग्राम NFT के लिए। तो जब बीटा टेस्टिंग होती है, एक तरीके का आप समझिए हैकाथॉन टाइप होता है, उसमें आप बाहर से भी लोग आते हैं, डेवलपर भी होते हैं और बहुत सारे लोग क्रिएशन भी करते हैं। तो जब एक ही नेटवर्क पर बहुत सारे लोग आते हैं तो कहीं ना कहीं एक पीक पॉइंट भी आ जाता है जो कभी सम टाइम प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है और सम टाइम इट विल बी गुड। तो ये मार्केट पे उस टेक्नोलॉजी पर, उस टेस्टनेट पर डिपेंड करता है कि एक्चुअली उन्होंने उसके ऊपर क्या क्या वर्कआउट किया हुआ है और कितना कंजेक्शन झेल सकते हैं। अभी यस्टरडे जो प्रॉब्लम थोड़ा सा हुआ कि ठीक ठाक सोल 175-176 अराउंड चल रहा था और अचानक क्रैश होके समथिंग आ गया, तो उसका ओवरलोड बीटा टेस्टनेट हो गया था। जो सोल की टीपनेस स्पीड है वो समथिंग 65-75 TPS के आसपास है और वन ऑफ द वेरी हाईएस्ट इन इंडस्ट्री, जो जिसके रीजन से सोल इतनी तेजी से केवल एक साल में बहुत हाई रेट पर मतलब मार्केट पर पकड़ लिया इसने। बट कल इसका जो क्रैश एक तरीके से कहना चाहिए मार्केट का होने का रीजन रहा, वो टेस्ट नेट के ऊपर ओवरलोड फ्लडिंग हो गया था। बिल्कुल, 4 लाख TPS का ओवरलोड आ गया था और उसके रीजन से कंजेक्शन इतना हो गया था ट्रैफिक पर कि इसको पूरी जो मेन नेट थी उनको इसको रिस्टार्ट करना पड़ा। आज अभी जस्ट 10 मिनट पहले सोल का मैसेज आया है, दे आर सक्सेसफुली मेननेट रीस्टार्टेड और अभी से वापस आप देख लीजिए 10 मिनट भी नहीं हुआ है सोल का प्राइस अबव एंड इंक्रीज होना चालू हो गया है और वापस जो अभी
थोड़ी देर पहले तक 150-152 चल रहा था, वो 164-165 वापस आ गया है, और जैसे ही लोग इस पे कनेक्टिंग होते रहेंगे तो अगेन वापस उसी प्राइस पर आपको बहुत जल्दी दिखेगा। बिल्कुल ठीक है। वॉल्यूम की भी बात की जाए तो पिछले 24 घंटों में इसकी वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा रही है और दूसरे नंबर पे है ये वॉल्यूम के हिसाब से बिटकॉइन के बाद। तो अभी करंट मार्केट प्राइस इसका 164 यूएस डॉलर चलता हुआ दिखाई दे रहा है और लगभग लगभग 1.41 बिलियन की इसकी जो वॉल्यूम थी वो 24 घंटों में रही है। ठीक है सर, तो सोल पर क्लैरिटी लेना बहुत जरूरी था क्योंकि सोल को लेकर बहुत से व्यूअर्स जो हैं वो बुलिश हैं और आने वाले समय में उम्मीद इससे बहुत ज्यादा है। तो ये छोटी सी जो चीज हुई थी ये आपके जरिए अगर क्लियर हो जाती है तो हमारे व्यूअर्स के लिए काफी अच्छा है। सर बिटकॉइन का जो प्राइस है उसे किस तरीके से अभी आप देख रहे हैं, और साथ ही साथ एक बहुत जरूरी सवाल कि जितने भी हमारे एक्सपर्ट से अब तक बातचीत चल रही है क्रिप्टो लाइव के जरिए हम डिस्कशंस कर रहे हैं इतनी अच्छी, इन पर काफी लोगों का कहना होता है कि ये जो साल का ये टाइम पीरियड होता है इसमें अक्सर ऐसा होता है कि बिटकॉइन का जो प्राइस है वो इतना ही चल रहा होता है या नीचे गिर जाता है, थोड़ा सा स्लो मूव करता है बिटकॉइन सितंबर के मंथ के आसपास। तो क्या ये सच है, क्या ये फैक्ट है कि हर साल सितंबर के आसपास ऐसा ही स्लो मूवमेंट देखने को मिलता है हमें बिटकॉइन में? हाँ मैम, लगभग आप ये मान के चलिए कि ऑन एन एवरेज अगर काउंट करेंगे तो अगस्त एंड से सितंबर ऑनवर्ड्स एंड अक्टूबर मिड हाफ के आसपास तक ये आपका 45-50 डेज जो होता है ये बिटकॉइन का एग्जैक्ट फुली साइडवे होता है। यहाँ पर जो भी परफॉर्मेंस रहता है वो अल्ट कॉइंस का होता है और एवरी ईयर होता है। लास्ट टाइम भी मैंने आपको काफी दर्शकों ने पूछा था तो मैंने इस चीज का बताया था कि 100 डेज ऑफ अल्ट कॉइन, जो 100 डेज ऑफ अल्ट कॉइन होता है उसका टाइमिंग यही होता है कि अगस्त एंड से या सितंबर से स्टार्ट होता है और आप 100 डेज मींस नवंबर के आसपास तक बिटकॉइन साइडवे चलेगा, अक्टूबर मिड के आसपास से थोड़ा सा बुलिश होना चालू होगा और उसके बाद नवंबर के मिड के एंड के आसपास में बिटकॉइन अप में आएगा और जितने भी अल्ट कॉइन होंगे वो अपना बेस्ट टू परफॉर्म कर चुके होंगे, किसी का डबल किसी का 4x 5x जो जिस स्टेज पर है एज पर देयर, और वहां से जो मार्केट आपका डोमिनेंस है वो अल्ट कॉइन का डोमिनेंस ट्रांसफॉर्म होगा बिटकॉइन डोमिनेंस पर, जो बिटकॉइन का डोमिनेंस वहां से इंक्रीज होना चालू होता है जो अभी हर साल के हिसाब से पहली बार 40s की रेंज में चल रहा है, जबकि हर साल का टारगेट अगर हम उठाएंगे इस टाइम का तो बिटकॉइन का डोमिनेंस 50-55 होता है, पहली बार 40-42-43 पे है क्योंकि मार्केट बड़ी है, अल्ट पर लोग ज्यादा ट्रांसफॉर्म हुए हैं, अल्ट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो यहाँ पर एक जो डिप मार्केट बनती है अभी भी स्टिल इन डेंजर, जो लोगों को लगता है कि शायद बिटकॉइन यहाँ से अभी नीचे नहीं जाएगा, बट एज चार्ट शो हो रहा है ये एक ब्रेक नियर टू 37-35 के आसपास ले सकता है क्योंकि ये नीचे से अपनी डोमिनेंस मार्केट उठा के लाएगा। जैसे बहुत लोग पुराने हैं जिन्होंने 64 पे देखा और बिटकॉइन को बहुत अच्छा लगा, मार्केट में एंटर हुए बट ले नहीं पाए, फिर मार्केट गिरी, मार्केट गिरने के बाद में लोगों ने एनालिसिस किया, कुछ लोगों ने 29-30-31-33 जिस टाइम रहा है ये तो लोगों ने एंट्री की है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उस टाइम भी एंट्री नहीं कर पाए कि और नीचे आएगा हम लेंगे, अब वो ऊपर चला गया, अब तब से जो लोग प्रीवियस लोग और जो न्यू लोग आए हैं मार्केट में पिछले 6-8-9 महीने के अंदर उनके अकॉर्डिंग एक मार्केट गैप जो बिटकॉइन हमेशा करता है और नीचे से डोमिनेंस जब भी इस टाइम पर वीक होता है वो मार्केट का उठा के लाता है, तो ये जैसे ही 35-37-38 के आसपास पहुंचेगा तो नीचे से मार्केट में न्यू एंट्रीज होंगी जो बिटकॉइन पर ही आएंगे, तो ये आपका 40-41 का जो डोमिनेंस चल रहा है बहुत टाइम से ये इंक्रीज होके तकरीबन 45-47 पहुंचेगा और ये अक्टूबर के अराउंड इसी रेशियो पर चलेगा। उसके बाद में जो लोग अल्ट कॉइन से मार्केट से अच्छा गेन ले चुके होंगे वो स्लोली डाइवर्ट होना चालू होंगे बिटकॉइन पर।
तो वहां से बिटकॉइन की ग्रोथ एक अच्छी पकड़ेगी। सर जब हम डोमिनेंस की बात करते हैं क्रिप्टो का जो बाजार है उसमें डोमिनेंस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ये चीज हम काफी हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं उनसे डिस्कस कर चुके हैं कि जब बिटकॉइन चल रहा होता है तो ज्यादातर ऑल्ट कॉइन्स थोड़े शांत होते हैं, उसके बाद ऑल्ट कॉइन्स चलते हैं साल के एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम पे, तब बिटकॉइन शांत चल रहा होता है। तो जब आप कहते हैं कि आने वाले समय में बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है वो वापस लौट आएगी, यहाँ पे हमारे साथ हमारे जो व्यूअर्स जुड़े हुए हैं सुखशीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक नए जहाँ तक ये नाम मैंने पहली बार देखा है तो नए व्यूअर हैं हमारे, बहुत स्वागत है आपका। ये कह रहे हैं कि बिटकॉइन बहुत जल्दी 100 US डॉलर तक जा सकता है, ये हमारे सारे एक्सपर्ट्स कहते आ रहे हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं कि बिटकॉइन जो है अभी कुछ वक्त में और अच्छा परफॉर्म करने लगेगा, वापस उसमें हमें बुल रन देखने को मिलेगा, लेकिन तब ऑल्टकॉइन होल्डर्स का क्या होगा, तब किस स्ट्रेटजी के साथ हमें काम करना होगा, क्या जो ऑल्टकॉइंस में इन्वेस्टेड हैं वो अपना पैसा निकाल लें, प्रॉफिट बुक कर लें, या किस तरीके से बिटकॉइन के डोमिनेंस में वो काम करें? मैम देखिए, इसमें एक्चुअली क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर सेवरल टाइप के पीपल्स होते हैं। कुछ मार्केट में डायरेक्ट आते हैं, कुछ एक रेफरेंस ऑफ होल्डर्स लेके आते हैं, कुछ शॉर्ट टाइम होल्डर्स होते हैं, कुछ एग्जैक्ट ट्रेडर्स होते हैं, कुछ प्रॉफिट बुकर ट्रेडर होते हैं जो टाइम टाइम पे बुलिश बेयरिश करते हैं मार्केट को। तो सबका अपना एक बेसिक फंडामेंटल होता है कि हमें किस स्ट्रेटजी पर चलना है। मेरा हमेशा एक बहुत बेटर सा पॉइंट होता है कि आप कम से कम क्रिप्टो में 6 महीने से साल की होल्डिंग को बरकरार रख के चलिए, अगर आप परफेक्ट ट्रेडर नहीं है बाकी सभी लोगों के लिए, क्योंकि ये बहुत ही अलग टाइप की मार्केट है। इट्स नॉट ए शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, जो एक बेसिक वे पर चलती है कि आपका डॉलर चल रहा है, मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग उसका प्राइस अप डाउन हो रहा है। शेयर के ऊपर आपका आप रेगुलर यहाँ पर डिपेंड करते हैं, आपको मालूम है कि उसका एक अलग मार्केट चलता है। क्रिप्टो के अंदर बहुत सारे फंडामेंटल्स, बेसिक टेक्नोलॉजी, टेक्निकल टर्म्स, मतलब कई चीजें चलती हैं जिसके टर्म्स में उसका प्राइस अप डाउन होता है, और उन सारे पैरामीटर्स में एक सबसे बड़ा होता है कि एक मार्केट ट्रेंड, जो पूरे साल का एक मार्केट ट्रेंड होता है बरकरार, कि इस जनवरी से फर्स्ट क्वार्टर में इस फ्लो पर चलेगा, उसके बाद सेकंड क्वार्टर में डाउन फ्लो पर चलता है, थर्ड क्वार्टर के अंदर ये अप फॉर्मेट पकड़ता है, फोर्थ क्वार्टर में पीक पॉइंट पर होता है। तो ये हर साल का फॉर्मेट है, और उसके ऊपर से एक बिटकॉइन के ऊपर सारी की सारी मार्केट टेंडेंसी होती है। रीजन इज सिंपल है, आप डोमिनेंस अगर कैलकुलेट करें तो आज भी 41% का पूरा ग्लोबल मार्केट बिटकॉइन के ऊपर है। तो बिटकॉइन अगर गिरेगा तो मार्केट को तो बिल्कुल इफेक्ट करेगा, चाहे वो अब फर्स्ट क्वार्टर में हो चाहे फोर्थ क्वार्टर में। अब सेकंड पार्ट आता है कि डोमिनेंस किस लिए मूव करती है और क्यों जाती है, क्योंकि जितने भी प्रॉफिट बुकर होते हैं उनको वहां पर रहता है कि जिस टाइम बिटकॉइन अभी अगले 2 महीने बाद सपोज करिए 50K अराउंड होगा, और उस सबको मालूम है कि उसको क्रॉस 100K करना है या 150K करना है, तो ऑलमोस्ट डबल एंड ट्रिपल लोगों का पैसा होगा, तो डोमिनेंस वहां पे डाइवर्सिफाई होगी। दूसरा क्या है कि अल्ट कॉइन ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके होंगे। सपोज सोल अगर मान लीजिए नवंबर में 300 और 400 के अराउंड होता है तो उसको 400 से 800 जाने में डबलिंग होती है, बट बिटकॉइन का उस टाइम डोमिनेंस इतना मार्केट आ चुका होगा पीक पर कि लोगों को मालूम है कि अगर हम अभी एंट्री लेंगे यहाँ पर तो यहाँ से 50K के पास से 100K बिटकॉइन मार जाएगा, तो लोग वहां से डाइवर्सिफाई करेंगे, तो डोमिनेंस ट्रांसफॉर्म होता है। अब उससे सोल का जो प्राइस होगा या अनदर मार्केट का प्राइस होगा वो थोड़ा सा डोमिनेंस इधर से ट्रांसफॉर्म होगा, लेकिन सोलाना जो है या कार्डानो है या आपके डॉट है पुलका डॉट, ये सारे वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनके पीछे से मार्केट में डेफिस पर भी काम होता है, डेप्स पर भी काम होता है, आपके आजकल एनएफटी की मार्केट बहुत बड़ी है उस पर भी काम चल रहा है। तो अगर इसमें कहा जाए कि लोग निकलेंगे तो बिल्कुल ब्रेक हो जाएगा तो वो पॉसिबिलिटीज नहीं। ये मार्केट ब्रेक एक अलग टर्मोलॉजी होती है, और पीछे से सिस्टमैटिक जिसके ऊपर टेक्निकल फंडामेंटल चल रहे हैं, यानी पब्लिक काम कर रही है जिसके ऊपर ऑलरेडी एक स्टेबिलिटी है, तो वो मार्केट ब्रेक नहीं करता है, तो लोगों का दोनों तरफ से प्रॉफिट बुकिंग होती है। ठीक है,
तो दोनों तरफ से प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सवाल बहुत जरूरी था आपसे समझना, क्योंकि बहुत से लोगों को डोमिनेंस जो है वो अभी तक समझ नहीं आई है कि बिटकॉइन डोमिनेंस। वो समझते हैं कि मार्केट का बहुत बड़ा जो हिस्सा है बिटकॉइन पे डिपेंडेंट है, उस पे डिपेंड करता है कि बिटकॉइन कैसा परफॉर्म करेगा। लेकिन जब बिटकॉइन अच्छा परफॉर्म करने लगेगा तब ऑल्टकॉइन होल्डर्स का क्या होगा, ये आपसे हमने समझ लिया है। ठीक है, बहुत से सवाल आ चुके हैं अब तक, मैं फटाफट से आपसे सवाल लेने की कोशिश करती हूँ। XRP पर आपकी क्या राय होगी, ब्रीफ में आप हमें जल्दी जल्दी बताइए। बहुत से कॉइन हैं, उसके बाद H बार, लाइट कॉइन और वजीरेक्स कॉइन, इन सारे कॉइन्स पर हमारे जो व्यूअर्स अभी आपको देख रहे हैं ये आपकी राय जानना चाह रहे हैं। सर XRP से मैं शुरू करती हूँ। मैम XRP का अभी जो मार्केट है तकरीबन यहाँ से जो लोग होल्ड करना चाहें अप टू दिसंबर टू फरवरी 6 मंथ होल्डिंग लेके बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि अभी इस पॉइंट पर भी XRP ग्रोथ दे देगा, एक अच्छे लोगों को बेनिफिट दे सकता है। और XRP हमेशा वो कॉइन है कि जिसको लॉन्ग टर्म लॉजी पर आप डाल के रख सकते हैं, आपको 2x 4x देगा, बट उसके लिए आपको 1 साल 2 साल होल्डिंग लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि इसका मार्केट का जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो बहुत ज्यादा है, और इसका बेसिक फंडामेंटल जो पीछे से काम करता है वो बैंकिंग स्ट्रेटजीज पर है। और उसके रीजन पर लोग अगर ये सोचते हैं कि XRP का प्राइस अगले साल में या इस साल में $10-20 होगा, तो वो थोड़ा सा उनका कैलकुलेशन गलत है। XRP आपको बिल्कुल बेनिफिट देगा और लॉन्ग टर्मोलॉजी में अच्छा बेनिफिट देगा, बट आप $10-20 उसको मत सोचिए। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है XRP पर, सर की राय आती हुई। आगे बढ़ते हैं सर, H बार पर राय जानना चाह रहे हैं। रोहन ग्रोवर हमारे साथ मौजूद हैं, ये दर्शक काफी दूर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये आपकी राय लेना चाह रहे हैं। न्यूजीलैंड से ये हमारे साथ कनेक्टेड हैं, तो इनका सवाल लेना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि टाइमिंग का क्लैश होता है, इस वजह से ये रुके हुए हैं इस शो के लिए। एच बार देख लीजिए सर, ये कैसा दिखाई पड़ रहा है, $0.5228 के आसपास का इसका मुझे प्राइस दिखाई दे रहा है। नहीं, इसका अभी एट प्रेजेंट में अगर आप देखेंगे तो तकरीबन पिछले एक हफ्ते भर के अंदर इसने लोगों को बहुत अच्छा पोटेंशियल ग्रोथ दे दिया है। 0.20 के आसपास इसका प्राइस था अभी रिसेंट लास्ट वीक में, और अभी लगभग 5.2 के आसपास पहुंच चुका है, 50 सेंट आधे डॉलर के आसपास में, तो मार्केट में अच्छा ग्रोथ में है। और अभी इसके पीछे की जो वर्किंग है, बेसिकली ये आप क्रिप्टो इंडस्ट्री में जो ग्राफिंग होती है जिसके ऊपर आपका ये ट्रेड सिग्नल डिजाइन होते हैं, तो इसकी टर्मिनोलॉजी और पीछे का टेक्निकल एनालिसिस जो काम करता है प्रॉपर ट्रेडिंग के ऊपर काम करता है इनका टोकन जो है, तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट है इसकी, तो स्ट्रॉन्ग मार्केट इन फ्यूचर के लिए अगर आप इसको लॉन्ग टर्मोलॉजी पर होल्ड करते हैं 2 इयर्स 3 इयर्स तो और नंबर ऑफ एक्स टाइम्स इट विल बी गोज इन बेनिफिट, मतलब आप सोच नहीं सकते उतना अच्छा बेनिफिट देगा। और ये शॉर्ट टर्मोलॉजी में भी आपको अच्छा बेनिफिट देगा, ईयर एंड तक काफी मेनी टाइम्स इट विल बी ग्रो। ठीक है सर, आपको क्या लगता है करंट मार्केट प्राइस में इसमें अभी एंट्री ली जा सकती है, ये सही टाइम रहेगा अगर इसमें कोई एंटर करना चाहता है, या फिर थोड़ा सा डिप आने का एच बार में हमें वेट करना होगा? मैम देखिए, अगर किसी व्यक्ति को 6 to 12 मंथ के लिए जाना है तो इट इज द बेस्ट पॉइंट, कोई इशू नहीं है, अभी भी आप एंट्री ले सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्मोलॉजी में एंटर करना चाहते हैं कि मुझे क्या होता है मार्केट से मतलब ट्रेड 1 महीना 15 दिन 20 दिन या 3 महीने के अंदर ट्रेडिंग पॉइंट देख रहे हैं आप, तो आपका तकरीबन इसका जो मिनिमम डिप आ सकता है अभी अगर मार्केट का कोई क्रैश रीजन नहीं होता है तो 55-52 के अराउंड चल रहा है, या 0.45-42 के अराउंड तक आपको मतलब 1 सेंट के डिफरेंस पे ऊपर नीचे का मार्केट ले सकते हैं जो शॉर्ट टर्मोलॉजी में है। बाकी एज सच अभी ऐसा कोई चार्ट शो नहीं हो रहा है कि ये बहुत ज्यादा आपको 50% डिप पे दिखाई देगा इफ मार्केट इज नॉट क्रैश्ड। जैसे अभी मैंने बिटकॉइन का आपको बताया कि एक मार्केट सर्किल है जो इसको नीचे प्रेजेंट रेट से बिटकॉइन को तकरीबन 38K to 35K के बीच में ले जा सकता है, और विद इन
वेरी सून सितंबर एंड के आसपास तक। तो अगर वो आएगा तो ऑब्वियस है अल्टकॉइन भी बेरिश परफॉर्म करेंगे क्योंकि बिटकॉइन पे डिपेंड होते हैं, तो वहां पर ये हो सकता है उस टाइम पर ये थोड़ा सा आपको एच बार नीचे भी मिल जाए, 35% पर भी मिल सकता है, 30 पर भी मिल सकता है, वो एक होता है क्रैश मार्केट। बट अभी रनिंग चार्ट मार्केट के हिसाब से केवल 8 से 10 सेंट का केवल गैप दिख रहा है, तो लॉन्ग टर्म अगर जो लेना चाहते हैं वो अभी बिल्कुल ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन शॉर्ट टर्म वाले हैं तो वो अपना थोड़ा सा रुक के देख सकते हैं क्योंकि मार्केट का एक छोटा सा रिफ्लेक्शन इसमें आएगा। ठीक है, ओके सर। सर बहुत से सवाल हैं यहाँ पे। रोहन ग्रोवर आपसे टॉप 5 कॉइन्स के बारे में जानना चाह रहे हैं कि वो कौन से रहेंगे। एक नए हमारे साथ व्यूअर आज ही जुड़े हैं, पहली बार इनका नाम मैं देख रही हूँ यहाँ पर, आरजे डिजिटल अर्नर। ये जानना चाह रहे हैं सोल के बाद कौन सा कॉइन रहेगा, अगर सोल के बाद एक अच्छा कॉइन हमें देखना हो तो कौन सा कॉइन रहने वाला है, एडीए रहने वाला है या कोई दूसरा कॉइन। मैम सोल की कैटेगरी जो है, जैसे अभी थोड़ा सा एक मार्केट का अगर हम प्रीवियस केवल 2021 की एनालिसिस करें तो मार्केट में लास्ट ईयर डेफी का बूम आया और डिफाई के ऊपर बहुत ज्यादा फाइनेंशियल सेगमेंट्स में अपर लेवल पर, टॉप लेवल पर, और ये आपके जिसे कहते हैं फाइनेंशियल कॉइन्स जो केवल असेट्स के तौर पे, जिसमें वन ऑफ देम इज शिबा इनू एंड वगैरह वगैरह, ये सब फाइनेंशियल कॉइन है, ये खूब मार्केट बूम की है। और जब कोई भी मार्केट बूम करती है किसी भी ब्लॉकचेन के ऊपर, क्योंकि ये मैक्सिमम कॉइन इथेरियम पर आए, इथेरियम पे फीस की प्रॉब्लम रही है, उसके बाद जितने भी कॉइन बने हैं वो बिनेंस चेन के ऊपर बने हैं। बिनेंस की चेन नवंबर 2020 में मार्केट में आई थी, उसका हैकाथॉन होके, और मात्र 6 महीने के अंदर वो पीक पॉइंट पहुंच गई और ट्रैफिक इतना ज्यादा एक्सटेंड हो गया पैनकेक स्वैप के द्वारा जितने भी वहां पे फाइनेंशियल कॉइन बनाए गए। अब प्रेजेंट जो ईयर चला है वो एनएफटीज का मार्केट है, एंड अब यहाँ पर अभी आप समझिए थोड़ा सा, पहले ब्लॉकचेन पर केवल आपका टोकन परफॉर्म कर रहा था, अब उसी ब्लॉकचेन पर आपका डेफी भी परफॉर्म कर रहा है, यानी ट्रैफिक डबल हुआ। अब उसी ब्लॉकचेन पर आपके डेप्स भी क्रिएट हो रहा है, यानी आपका ट्रैफिक ट्रिपल हुआ। अब उसी ब्लॉकचेन पर मैं एनएफटी भी आ गया है, तो एक ब्लॉकचेन पर जब ज्यादा ट्रैफिक होता है तो ओवरलोड होना जायज है। अभी तक की सबसे फास्टेस्ट ब्लॉकचेन जो बनी हुई है और जिसने मार्केट में परफॉर्म करके लोगों को दिखाया भी है मात्र एक साल के अंदर, अभी साल भी नहीं हुआ है कायदे से, सोल ने पूरी की पूरी टॉप ऑफ द मार्केट लोगों को रिस्पांस दिया है और बहुत अच्छा पोटेंशियल अर्निंग भी दी है। कोई किसी भी इंडस्ट्री में 200 times अर्निंग नहीं मिलती है, आप ये सोच के देखिए 10 महीने के अंदर $1 से $200 पहुंचना, जिसने जब भी एंट्री की, और अगर स्टार्टअप ली है तो 200 गुना पैसा होना बहुत नियर टू इम्पॉसिबल वाली चीजें हैं, बट सोल ने करके दिखाया है। रीजन यही है कि उसके पीछे के टेक्निकल, टेक्नोलॉजिकल एंड फंडामेंटल्स जो रीजन है वो काफी स्ट्रांग है। मार्केट एक तरीके से जब लोगों को दिख रहा है कि सोल के ऊपर बहुत अच्छा काम चल रहा है, लोग टेस्टनेट के लिए उसके ऊपर सारे लोग एंटर करेंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं, उसको शॉर्ट आउट भी किया जाता है। बट जिस कंडीशन पर अगर चल रहा है तो उस टाइम पर सोल से जो ये क्वेश्चन काफी लोगों का है और काफी लोग ट्विटर पे पोस्ट पे ये क्रिएट कर रहे हैं क्वेरी, जब से ये प्रॉब्लम्स हुई हैं सोल के ऊपर, कि टीपीएस ब्रेक कर गया है मार्केट में, जितना उसका है उसके ऊपर चला गया है, और इतना ट्रैफिक पर अगर सोल ब्रेक कर सकता है तो व्हाट्स द नेक्स्ट, फिर सोल से बेटर कौन है। तो लास्ट टाइम हमारा डिस्कशन था, मैंने शायद आपको बताया था, वी आर वर्किंग ऑन वन ऑफ द वेरी ग्रेट प्रोजेक्ट Hydra 7 Labs। Hydra 7 के अंदर जो टीपीएस है वो मिलियन ऑफ टीपीएस है और वन ऑफ द वेरी फास्टेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसफर द ट्रांजेक्शन टाइम वेरी लोएस्ट फीस के साथ है। अभी उसका 14th of October को हैकाथॉन होना है और ओपनली इन्वाइट है लोग, वहां पर उसका क्रैश आउट होगा। उसका जो मार्केट फंडामेंटल कॉइन है, नेटिव कॉइन, वो है JDC, JD कॉइन, जो उसको ऑपरेट करता है। तो अभी वो बिल्कुल सेंस में है क्योंकि उसकी मार्केट, किसी भी कॉइन की मार्केट तब डेवलप होती है। बिल्कुल, JD कॉइन पर सर सवाल भी आ रहा था, तो आप इसे दोनों चीजों को साथ में ही बता दीजिए। अख्तर राजा मौजूद हैं हमारे साथ, JD कॉइन के बारे में ये जानना चाह रहे हैं कि आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं। इससे पहले भी JD कॉइन पर सवाल आ चुका है,
तो ये देख लीजिए सर, शैलेंद्र कुमार मौजूद थे, उन्होंने भी जेडी कॉइन के बारे में जानना चाहा था आपसे। हाँ तो बेसिकली मैम दिस इज द लास्ट टाइम जिसको जैसे होता है ना, किसी पॉइंट को आपको परचेज करना हो तो कब पीक पॉइंट होता है, कब उसका इनिशियल पॉइंट होता है, तो आप ये मानिए 14, 15, 20 अक्टूबर ये मैक्सिमम लास्ट टाइम है जो आपको जीडी कॉइन ये 14, 15, 20 सेंट के आसपास मिलेगा। क्योंकि तो जैसे ही ये हैकॉथॉन होगा और मार्केट में इनका जो व्यू पॉइंट है कि हम इस चीज को बहुत ज्यादा इनिशिएट कर रहे हैं कि हमारी टीपीएस कॉइन की, इस जेडी कॉइन की बहुत ज्यादा हाई है, इसके मिलियन ऑफ टीपीएस है इसका अपना, अगर मार्केट में आता है तो अभी तक की जितनी प्रॉब्लम्स है चाहे वो सोल के ऊपर भी आ गई है साल भर के अंदर, उस चीज को ब्रेकआउट हो गया है, तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट जो जनरेशन का ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में बहुत बड़ी मार्केट आनी है। क्योंकि अभी पूरी दुनिया की 2.5% मार्केट है केवल क्रिप्टो के ऊपर, उस 2.5% मार्केट में भी अगर कैलकुलेट करेंगे तो 10% यानी 0.25% केवल टेक्निकल लोग हैं, बाकी तो केवल ट्रेड कर रहे हैं। बट ट्रेड आल्सो क्रिएट ट्रैफिक, बट ट्रेडिंग केवल ट्रैफिक के ऊपर ओवरलोड नहीं होता है, वो सारी टेक्नोलॉजी होती है जो लोग डेवलपमेंट में करते हैं। तो 8% की मार्केट पर अभी अगर सोल क्रैश हो सकता है, बिनेंस इससे पहले ओवरलोड पे चला गया है, इथेरियम की हालत सबको मालूम है इतनी प्रॉब्लम हुई है, और ये सब वन ऑफ द टॉप मोस्ट रहे हैं, तो इसका कहीं ना कहीं सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं हाइड्रस 7 उसका एक डिफरेंट सॉल्यूशन लेके आ रहा है मार्केट में, और वो सारी चीजें मार्केट में आफ्टर 15 अक्टूबर अनाउंस हो जाएंगी, दिख जाएंगी लोगों को कि कितना हाई टीपीएस है, क्या उसका ब्रेक थ्रू है और क्या एक नया आयाम क्रिएट करता है। और जो चीज मार्केट में अच्छी होती है मैम ऑब्वियस है बहुत तेजी से मार्केट में शूट करती है और उसका प्राइस लोगों को बेनिफिट देता है जो पुराने होल्डर्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो भी यहाँ पर जितने भी नए व्यूअर्स आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अख्तर जी थैंक्स कह रहे हैं सवाल लेने के लिए, अमरिंदर सिंह ने भी जेडीसी पर ही जानना चाहा था आपसे, उससे पहले शैलेंद्र जी ने भी इसी पर सवाल पूछा, तो ये जो टॉपिक है हमने कवर कर लिया है, सर ने प्रॉपर इसमें बता दिया है। और इसके साथ साथ यहाँ जी दूसरे जो हमारे व्यूअर थे आरजे डिजिटल ओनर, इन्होंने भी हाइड्रस 7 ब्लॉकचेन पर जानना चाहा था, तो ये कवर हो गया है। ठीक है, टेक मार्क हमारे साथ मौजूद है, शो देख रहे हैं, ये जानना चाह रहे थे POW प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक और POH, POR, इन सारी चीजों पे जानना चाह रहे थे, तो ये सवाल हम आने वाले एपिसोड में जरूर कवर कर लेंगे। आज हमने वैसे ही सर का बहुत ज्यादा टाइम ले लिया है, यही खास चीज है राहुल सर। ये एक्चुअली क्या है मैम, देखिए POW, POH ये वेरी लेंथी टॉपिक है, अगर मैं शॉर्ट शॉर्ट भी समझाऊंगा तो कम से कम आधा घंटे का शो पूरा चाहिए, तो इतनी टेक्नोलॉजी को इन शॉर्ट में नहीं बताया जा सकता है। शॉर्ट वाली चीज तो आपको गूगल पे टाइप करेंगे वैसे ही मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका डेप्थ वर्क की एक्चुअल में ये क्या काम करती है, तो नेक्स्ट शो जब होगा तो बिल्कुल मैं इस पॉइंट पे, आप ये क्वेश्चन नोट करके रखिएगा, तो नेक्स्ट टाइम पे हम इसके ऊपर बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं साइड बाय में। ठीक है सर, बस एक सवाल, किमी शर्मा जी मेटेक पर आपकी राय लेना चाह रही है, ये आप जल्दी से बता दीजिए इस पे क्या करना चाहिए। मैटिक अभी जो अपना काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग जो बैकहेंड से इनका काम चल रहा है, अभी मार्केट लगभग इसी के आसपास रहेगी जो काफी टाइम से आप लोग देख रहे हैं, 1.2 से 1.4 के अराउंड रनिंग चल रही है। आपको थोड़ा सा इसमें होल्डिंग बना के रखना पड़ेगा 6 to 8 months के आसपास में, क्योंकि इस पर कई सारे जो प्रोटोकॉल्स अभी आ गए हैं मार्केट में। मैटिक का बैकहेंड जो वर्क है वो टोटल ब्रिजिंग का काम करता है जो इथेरियम के उस पर, अभी कार्डानो लाइव हो गया है, कार्डानो सीधे सीधे इथेरियम कन्वर्टर लेके आया है मार्केट में, तो मार्केट का थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ता है, प्लस और भी कई प्रोटोकॉल्स हैं जो ब्रिजिंग एंड डाइवर्सिफाइड प्रोटोकॉल क्रॉस चेन पे काम करने लगे हैं। तो पहले एक प्रोडक्ट एक चीज पर काम कर रहा था, 4-5 प्रोडक्ट आएंगे तो मार्केट थोड़ी सी डाइवर्सिफाई होती है और उस पर प्राइस का इम्पैक्ट भी पड़ता है, तो मैटिक आपको ग्रोथ देगा और बहुत अच्छी मिलेगी, लेकिन आपको थोड़ी होल्डिंग बना के रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें आपको होल्डिंग बना के रखनी है अगर आप इसमें अच्छा जो है रिटर्न देखना चाह रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आज हमारे साथ इस शो में जुड़ने के लिए और इतने सारे सवाल लेने के लिए।
आने वाले समय में बाकी के बचे हुए जो डाउट्स हैं वो क्लियर करेंगे और डिटेल में हम प्रूफ ऑफ स्टेक प्रूफ ऑफ वर्क भी आपसे समझने की कोशिश करेंगे। राहुल सर बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू शिवानी जी। दिनेश जी जानना चाह रहे हैं सिंबल ऑफ जेडी कॉइन। अगर दिनेश जी आप JDC करके सर्च करेंगे तो शायद आपको ये कॉइन मिल जाएगा, आप फिर इसे देख सकते हैं। ठीक है, बहुत से सवाल आज हमारे पास आए हैं, डिटेल में इन पर हम आने वाले एपिसोड्स में बात करेंगे। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर आप प्रूफ ऑफ वर्क या स्टेक को समझने की कोशिश करते हैं या बाकी के जो ब्लॉकचेन है, एक ब्लॉकचेन को समझने और समझाने में भी काफी वक्त हमें चाहिए होता है, तो डिटेल में हम डेडिकेटेड एपिसोड्स इस पर बना देंगे आप लोगों के लिए, वहां पे आप और अच्छे तरीके से इन टॉपिक्स को समझ पाएंगे। आज के हमारे साथ जितने भी दर्शक जुड़े हुए थे, जो सवाल भेज रहे थे हमें, और बाकी के दर्शक जो केवल अभी नॉलेज गेन करने के लिए देख रहे हैं शो को, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हिरेन रत्नानी मौजूद है, रोहन गुरोवर, दिनेश शर्मा जी मौजूद है, शैलेंद्र कुमार, किमी शर्मा, अख्तर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपने सवाल भेजने के लिए। इसी तरीके से हम क्रिप्टो की पढ़ाई को जारी रखेंगे आने वाले समय में भी क्रिप्टो लाइव के दौरान इसी तरीके के टॉपिक्स पर बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। आज के लिए क्रिप्टो लाइव में बस इतना ही। मुझे यानी शिवानी ठाकुर को दीजिए इजाजत और देखते रहिए फाउंडर इंडिया।